आज मैं आपको ऐसी चार लोन ऐप्स के नाम बताऊंगा कि अगर आपने इनसे लोन लिया है तो आपका जीवन खराब हो सकता है, आपकी जिंदगी खराब कर देंगे, आपको जीना दुश्वार कर देंगे और आपके लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं, आपके ऊपर FIR दर्ज हो सकती है, आपके ऊपर कोर्ट केस भी हो सकता है। जी हाँ, अब वो चार ऐप कौन सी हैं आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, नाम भी बताऊंगा और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनसे लोन कभी मत लेना उसका भी एक कारण है। लिया है तो समय से दे देना वरना बुरी तरह फंस जाओगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर लिख कर रहोगे @vinayl0, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया, उसमें डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले उन चार ऐप के नाम बता देता हूँ, सबसे पहली तो है रिंग, दूसरी है किस, तीसरी है कैसी, चौथी है स्टेसफिन और कहीं ना कहीं पांचवें नंबर पे क्रेडिट भी आ जाती है, ठीक है। बड़ा मुश्किल से मैंने नाम लिया है क्योंकि नाम दे दो तो ये लोग स्ट्राइक ठोक देते हैं, नोटिस भेज देते हैं कि कुछ कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हम इनके बारे में कुछ सच्चाइयां बता देते हैं। अब आप ये कह रहे होगे सर आपकी तरफ कहते हो कि इनसे लोन ले लो, ये करो, एक तरफ इनकी बुराई भी करते हो, समझ में नहीं आता। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई आप लोन ले लो, मैं ये बोलता हूँ, लेकिन ये बोलता हूँ कि लोन तब ले जब चुकाने में सक्षम हो। अब जब नहीं चुका पाएंगे तब आपके साथ क्या कलेश हो सकता है, अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए जो जो मैंने आपको ये चार ऐप्स के नाम बताए हैं, पांच ऐप्स के नाम बताए हैं, इनमें क्या है, जैसे कि रिंग ले लो, अगर आपने लोन लिया समय से चुका दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सब कुछ ठीक चलता रहेगा। और अगर आप दो दिन चार दिन छह दिन लेट हो गए तो क्या होगा कि कॉल आना शुरू हो जाएगी, यानी घर पे एजेंट आएंगे, आपको धमकी भरी कॉल वगैरह आएगी, गाली गलौज वाली कॉल आएगी, आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। घर पे एजेंट आते हैं सबसे बड़ी बात यह है, और यही हाल किस्त के संग है। अब किस्त में थोड़ा सा ये हल्का हो गया ना, किस्त में पहले बहुत था, लेकिन किस्त में एजेंट तो फिलहाल नहीं आएगा, लेकिन देखिए आ जाता है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिलहाल बहुत कम आता है, पहले बहुत आते थे लेकिन अब कम हो गए हैं। तो ये कॉल करेंगे, परेशान करेंगे, यही कैसी एप्लीकेशन उसका हाल है, और यही स्टेशन का, और यही क्रेडिट भी का हाल है। अगर आपने टाइम से रिपेमेंट नहीं किया, EMI नहीं भरी, तो इनके जो एजेंट है ना वो हो पूरा हाल कर देंगे, कॉल कर करके, गाली गलौज कर करके आपकी ऐसी तैसी कर देंगे, आपकी मट्टी पलीत कर देंगे, समझ में आ रही। आप मजबूरन के मतलब जो पैसा है ना उनको चुकाने मजबूर हो जाओगे, फिर आपको लगेगा यार ये बहुत खराब है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी ऐप दूध की धुली नहीं है, चाहे वो क्रेडिट भी हो गई, ट्रू बैलेंस हो गई, मनी भी हो गई, कोई भी ऐप हो गई, ठीक है ना, कोई भी प्राइवेट बैंक हो गई, अगर आप समय से पैसा नहीं चुकाओगे किसी भी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी का तो वो आपके पिछवाड़े में डंडा चढ़ाएगा, क्योंकि भाई वो इसी चीज पे ही पैसा कमाने को बैठे, इतनी इतनी उनकी रोजी रोटी चलती है। फाइनेंस कंपनी जो आपको लोन देती है और जो आप पे ब्याज लगाती है वही उनकी कमाई है ब्याज, यार चाहे बैंक हो गया कोई भी हो गया, जो बैंक इतने बड़े बड़े चल रहे हैं ना, जो उसमें बैठे लोग सैलरी पा रहे हैं, जो बैंक कर्मचारी, वो ब्याज से ही मिल रही है आपके, ठीक है, जो आप ब्याज देते हो। जो लोग सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं ना उससे बैंक नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी बैंक जो भी लोन आप प्रोवाइड कर रहा है अपना पैसा वसूलने के लिए भाई आपके पूरे ऐसी तैसी कर देंगे, मैं पहले के लिए कर दे रहा हूँ। तो जो ये चार ऐप के नाम बताएं ये कुछ ज्यादा ही परेशान करते हैं, और एक पेमी इंडिया भी इसमें शामिल है, और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं एम पॉकेट भी शामिल है। ऐप तो बहुत सारी, लेकिन जो ऐप के नाम बताओ इनमें कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है, अगर समय से नहीं चुकाया तो ही प्रॉब्लम है, और समय से अगर चुका रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मैं इस बात का मैं दावा कर सकता हूँ, क्योंकि रिंग से मैंने खुद लोन लिया है, एक बार मैंने नहीं चुकाया था तो मेरे पास दो चार कॉल आ गई थी, लेकिन फिर मैंने पेमेंट कर दिया, फिर कभी कोई कॉल नहीं गई मेरे पास। मैंने रिंग से लोन लिया दो तीन बार, मैंने समय से चुकाया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नावी से भी लिया है मैंने, मनी भी से भी लिया है, क्रेडिट भी से लिया है, और बहुत से लोगों की शिकायतें आती है कि मैंने लोन लिया सर ये कॉल कर रहे हैं, और जब पूछते क्यों तो क्योंकि उन्होंने समय से पेमेंट ही नहीं करा है, तीन तीन महीने हो गए, चार चार महीने हो गए, छह छह महीने हो गए। तो ऐसे में भैया कंपनी तो परेशान करेगी क्योंकि उन्हें अपना पैसा चाहिए, समझ में आ रही है। अब मैं आपको बता दूं जो कंपनियां हैं आपको धमकी देंगे कि हम पुलिस केस कर देंगे, या हम थाने से बोल रहे हैं, या वकील बात कर रहे हैं, या कोर्ट केस कर देंगे, तो आपको सबसे पहले बता दूं डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जब आप पेमेंट नहीं करते हो, किसी भी लोन का पैसा नहीं चुकाते हो, तो क्या करते हैं ये लोग, इस तरह की धमकी देते हैं आपको डराने के लिए, ताकि आप लोन का रिपेमेंट जल्दी कर दें, समय से कर दें। जब वो भी नहीं करते हो तब इनकी बदतमीजी और ज्यादा बढ़ जाती है, बस ये चीज होता है, और ये चीज आपको फेस करना पड़ता है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जिससे ये गुजरना पड़ेगा अगर आप लोन का पेमेंट नहीं कर रहे हो। तो हमेशा आपसे दरख्वास्त करूंगा लोन तब लें जब चुकाने में सक्षम हो। YouTube पे हजारों वीडियो मिलेंगे आपको रिंग से लोन कैसे ले लें, मैंने भी बताई होगी रिंग से लोन कैसे ले लें, लेकिन जो उसके साइड इफेक्ट है वो यही है, अगर समय से रिपेमेंट कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समय से नहीं करोगे तो भाई यही ऐप आपके लिए अकाल काल सब बन के आ जाएगी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो भैया हम जब वीडियो बनाते हैं कि आप इससे लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो ये चीज खुद के नॉलेज में होना चाहिए, और पहले भी क्लियर कर देते हैं कि भैया देखिए आप लोन तब नहीं चुकाने में सकते हो, समय से नहीं चुकाएंगे तो भैया आपके
ऐसी तैसी कर देंगे ये कंपनी वाले, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप रिपेमेंट नहीं करोगे तो ये कलेश होता है इन कंपनियों के साथ, ये कंपनियां करती हैं भाई। रिंग हो गई और मैंने किस्त बताई, स्पेस फिन और आपका ये स्मार्ट कॉइन और ये पेमी इंडिया, एम पॉकेट, ये कुछ 7-8 कंपनियां हैं जो प्रॉब्लम देती हैं। तो उम्मीद है कि आप पूरी बात समझ गए होगे। तो लोन लेने से पहले सोचिएगा कि हाँ मैं इसका रिपेमेंट कर सकता हूँ तो लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा धोखे से भी, अगर आप प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते हैं। ऐप तो कोई भी ढंग की नहीं है, दूसरी तरीके कोई भी नहीं होती है, मैं आपको पहले कर देना। बस फर्क इतना होता है कोई कम परेशान करता है, कोई ज्यादा परेशान करता है, फर्क इतना होता है, और कुछ इतना परेशान करता है कि सारी हदें पार कर देता है। ठीक है, जो हदें पार कर देते हैं वो ऐप्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद है कि आप पूरी बात समझ गए होंगे। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।